हाय एवरीवन, वेलकम टू फूड जोन घर का बावर्ची। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट पीनट कुकी केक्स। कुकी केक इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो उसका ऊपर का क्रस्ट है वो कुकी के जैसा क्रिस्पी रहेगा और जो उसका बेस है वो हल्का सा केकी रहेगा। तो दीज आर वेरी टेस्टी वंस। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। सबसे पहले मैं 25 ग्राम का सॉफ्टन बटर लूँगी, यानी रूम टेम्परेचर वाला, और उसे बीट कर लूँगी अच्छे तरीके से। इसके बाद में मैं इसके अंदर 1 कप पाउडर शुगर डालने वाली हूँ और उसको भी मैं अच्छी तरीके से बीट करके सॉफ्ट कर लूँगी। ये जब आप बीट करते रहोगे और शुगर और बटर जब एक साथ मिलता जाएगा तो एकदम क्रीमी हो जाएगा इसका टेक्सचर और इसे वाइट कलर, हल्का सा वाइट कलर की तरफ ये होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में हम बीट करते करते इसके अंदर हम एग डालेंगे। 1 अंडा डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर आप वेजिटेरियन हैं और अंडा अवॉइड करना चाहते हैं तो 2 टेबलस्पून आप कर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एग इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज वी आर नॉन वेजिटेरियंस। इसके बाद में आप इसे वापस बीट करेंगे। तो ये पूरे प्रोसेस में मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि आपको हर स्टेज पे ब्लेंडर घुमाते रहना है। ये वनीला के मैंने थोड़े से एसेंस डाले हैं और 1 पिंच सॉल्ट का डाला है और लगभग 1/4 चम्मच जितना मैंने सोडा बाइकाप डाला है। सोडा बाइकाप यानी जो खाने का सोडा हम भजियों में इस्तेमाल करते हैं वो। मैंने 1 कप के जितना मैदा ले लिया था उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालते जाऊंगी और इसे बीट करते जाऊंगी, यानी मैं इसे घोलते जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा मेरा जो बैटर है वो गाढ़ा होने लगेगा, यानी मैदे की वजह से ये स्टिफ होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने के लिए अमूल क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर के अंदर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अमूल क्रीम था और मैं हमेशा अमूल क्रीम प्रेफर करती हूँ केक्स और कुकीज़ में, तो ये बेटर है। मैंने 1 टेबलस्पून पहले डाला, इसके बाद मैंने मेरे बाकी का मैदा डाला ताकि मुझे पता चले कि वो कितना थिक हो रहा है। आप जब मैदा डालना शुरू करेंगे और पोर्शंस में डालेंगे तो आपने नोटिस किया होगा मैंने पहले के 2 भाग डाला, बीट किया, इसके बाद मैंने क्रीम डाला, इसके बाद मैंने मैदा डाला और फिर मैंने क्रीम लास्ट में डाला है ताकि जो फाइनल मैदे का जितना मेरा कंप्लीट हो गया है वो टेक्सचर मुझे समझ में आए। और क्रीम हमें ज़्यादा नहीं डालना है बिकॉज़ हम केक नहीं बना रहे हैं तो हमारा बैटर थिन नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर पिंटोला पीनट बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और वो भी क्रंची वाला। पिंटोला के जो पीनट बटर्स होते हैं या चॉकलेट पीनट बटर होता है, उनका आलमंड बटर भी होता है, तो वो बहुत ही टेस्टी होते हैं और हमारे घर में प्रेफरेबली उसी को लिया जाता है, उस ब्रांड को ही फॉलो किया जाता है। आप कोई भी चॉकलेट पीनट बटर ले सकते हैं बट आई वुड सजेस्ट के पिंटोला का पीनट बटर, वो भी क्रंची वाला चॉकलेट फ्लेवर का यूज़ करें। इसे मैंने 2 टेबलस्पून डाला था और मैंने साथ में 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर भी डाला है। ये डाल के मैं इसे अच्छी तरीके से मिला लूँगी और फिर मैं वापस से इसे बीट करूँगी। आप देखिए कि बहुत स्टिकी सा टेक्सचर हो रहा है, इसीलिए मैं साइड को बार बार स्क्रेप कर रही हूँ और इसे मैं मिलाते जा रही हूँ। इसके बाद मैं वापस एक लास्ट टाइम इसे बीट करूँगी और बीट करने के बाद में मैं इसे थोड़ी देर रख दूँगी और ये होने के बाद में चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम जो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालने वाले हैं, मैंने वॉलनट्स लिए हैं 10 से 12 और मैं इसके अंदर वाइट चॉकलेट के, जो मेरे पास एक चॉकलेट बार रखा हुआ था, वाइट कंपाउंड रखा हुआ था, तो उसको भी मैंने चॉप कर दिया हल्का हल्का और मैं वो भी ऐड कर रही हूँ। ये आप इसके अंदर रेजिन्स भी डाल सकते हैं या आपको पीनट और चाहिए तो आप पीनट्स को यानी शिंग को भून कर उसको भी चॉप करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर वॉलनट और वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया। आप ब्लैक चॉकलेट चिप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे डार्क चॉकलेट के आते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। और फिर मैंने इसके अंदर मिला लिया और फिर मैं एक ग्रीस्ड ट्रे में अपने बैटर को बिछा लूँगी। मैंने बराबर एकदम 1 सेंटीमीटर जितना थिकनेस रखा उसको मैंने रेक्टेंगल शेप में बिछा लिया और इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी कम से कम 15-20 मिनट जितना। फिर फ्रिज से निकाल के डायरेक्टली अवन में मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट्स तक पकाऊँगी। इसके बाद मैं इसके पीसेस कर रही हूँ। ये देखिए आपको क्रस्ट इसका दिख रहा है, ये ऊपर से बहुत ही क्रंची और कुकी का फ्लेवर रखता है और उसका बेस है बहुत केकी रहता है, बहुत ही टेस्टी और सुपर यमी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे रहने पर और फूड जोन घर का बावर्ची पर इंस्टाग्राम पर मुझे ऐड कीजिएगा।